राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगड़मेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान से समेत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिसको लेकर ग्वालियर में भी फूलबाग चौराहे पर सुखदेव सिंह गोगड़मेड़ी को क्षत्रिय समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों ने सुखदेव सिंह गोगड़मेड़ी की हत्या करने वाले आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। इसी क्रम में उन्होंने दोषी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं राजस्थान में समाज के जरिए उठाई गई सभी मांगों पर गौर किया गया है और उस पर एक्शन लेने का आश्वासन दिया गया। क्षत्रिय समाज की बुलंद आवाज दादा सुखदेव सिंह गोगड़मेड़ी जी की पिछले दिनों राजस्थान में उनके घर में घुसकर हमलावरों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई गोली मारकर, जिससे हिंदुस्तान के समस्त क्षत्रिय समाज एवं सर्व समाज में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। उनको न्याय दिलाने के लिए हिंदुस्तान का सभी क्षत्रिय राजस्थान और पूरे जयपुर में एकत्रित होकर पूरे परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए 3 दिन तक डटा रहा। और उसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान की सरकार को हमारे क्षत्रिय समाज की जो भी मांगें थी